नौजवान कम थोड़ी बिगड़ा है, घर में आएगा तो गोल धुआं छोड़ती आएगा। तो जब तू गोल धुआं छोड़ेगा तो तेरा बेटा क्या दूसरा धुआं छोड़ेगा, वो भी छोड़ेगा, वही छोड़ेगा। जय बोइएगा गंदुम गेहूं तो धान की उपज थोड़ी होगी। इसलिए मेरे दोस्तों, सबसे पहले मेरे नौजवानों, आप सुधर जाइएगा, घर सुधर जाएगा, मुआशरा सुधर जाएगा। आज का नौजवान हजरत लिफा लिहाफ के अंदर, चादर के अंदर दो दो बजे रात तक मोबाइल चलाता है, क्या खाइएगा? वो क्या दूसरे को नसीहत करेगा? सबसे पहले नौजवान सुधरेगा तो समाज सुधरेगा। नमाज नौजवान बिगड़ा है तो घर भी बिगड़ा रहेगा, समाज भी बिगड़ा रहेगा मेरे दोस्तों। और आज का नौजवान इतना फिटिंग पहन लेता है और रोड के किनारे इतना लंबा मोबाइल कान में दाब लेगा, मारेगा चैन घस दमकल चालू, निस्पिल बोर्ड चालू। अब चाहे अल्लामा आबिद साहब आ जाए, या पैकर रजा हलीमी आ जाए, या ये हजरत चाहे वो हजरत आ जाए, कौनो साहब आए कोई फर्क पड़ने को नहीं है। अरे दमकल चालू है तो चालू ही रखा है मेरे दोस्तों, हंस के जुमले को मत डालिए। अरे जिंदगी की कोई गारंटी नहीं है, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। आज से ये इरादा करके उठिए कि जब भी हमारी रूह हमारे बदन से निकलेगी तो मेरा बदन नापाक न रहेगा, मेरा बदन पाक रहेगा। वाह वाह वाह, नारे रिसालत मशरिक के आला हजरत इस्लाए मुआशरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह। आधा घंटा हो गया, खत्म कर दें चचा, खत्म कर दें। ई चचा को आ देंगे तो हम खत्म कर देंगे, आप खत्म कर दें, सुनिएगा। हाँ तो ये ऐसा वक्त है हजरत, जाने वाले को रुकना भी है, रुके हुए को सोने नहीं देना है, जो बैठा है उसको सुनाना भी है। तीन काम एक वक्त में करना है। हाँ, हर चीज के तीन हिस्से हैं। कितने? आपकी जिंदगी के तीन हिस्से हैं, देख लीजिए मिसाल के तौर पे, बचपना जवानी बुढ़ापा। और कोई हिस्सा है? अज़ुत बोलिए, नहीं ना है। और जब आदमी बचपने में रहता है तो उसकी नो वैल्यू है ना। उसी तरीके से रात के भी तीन हिस्से हैं, शाम से लेकर ईशा तक रात बचपने में रहती है, और ईशा से लेकर के 12 बजे तक, 1 बजे तक रात जवान रहती है, और 1 बजे से लेकर के 3 बजे भोर तक क्या रात बूढ़ी हो जाती है। क्या हो जाती है? बूढ़ी, रात रात बूढ़ी हो जाती है। तो जब तक रात जवान थी बूढ़े लोगों के हाथ लगी, रात जवान थी तो बूढ़े लोगों के हाथ लगी, और रात बुढ़ा गई है तो इस जवान के हाथ लगी है। अब दुआ कीजिए कि ये बुढ़िया इस जवानका से निभ जाए, जवानका से इधर से बोलिए ना, इज्जत की बात है, निभ जाए। थोड़ी देर हम सुना दे कि खत्म कर दे, सुनाए कि खत्म कर दे, खत्म कर दे भैया। वो भैया, अरे आपसे आगे कोई अभी तक नहीं बढ़ा, हम इसी इंतजार में पूरी वेद को रोक करके रखे। अभी तो जितना पढ़े वो टेलर की तरह है, उससे ज्यादा तो अभी बंद करके रखे हैं। हाँ, अब वो हम चतुर्वेदी साहब नहीं है कि तनके सुख है बस उसी में स्वाहा स्वाहा करते रहे, अभी बहुतरे बंद है इसमें। बस आपकी मोहब्बत मिलनी चाहिए, धीरे 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 निकलता रहेगा। मचल करके माँ बाप की मोहब्बत में बोल दे, और जी लगा करके, और जी लगा करके बोले सुभान अल्लाह। बिल्ला वाले के कान में कहिए सुभान अल्लाह, वो क्या कर रहा है बताइए तो, बताइए। ये ऐसा लग रहा है कि हजरत जंतरी में शादी के दिन दिखवाने के लिए आया है, बिल्कुल गौर से उसी गोद में देख रहा है, जैसे जंतरी में बिल्कुल गाड़ के देखता है आदमी के नहा सा के साथ है। बताइए तो, मुस्कुरा करके माँ बाप की मोहब्बत में। मैंने कहा वेद व्यास जी, आदमी वैकुंठी स्वर्गी जन्नती कैसे होगा? तो वेद व्यास जी कहने लगे, स्नान करने से नहीं होगा, नहाने से नहीं होगा। मैंने कहा कैसे होगा? तो कहने लगे एक काम कर लो। मैंने कहा क्या कर ले? मैंने कहा वेद व्यास ये क्या है? तो कहने लगे लहालम से होता है ला इलाहा इल्लल्लाह, और महामम से होता है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।
जब ये कलमाए पाक सीने में आ जाता है तो सीने को पाक कर देता है, हृदय को साफ कर देता है, फिर सीना में कीना नहीं रहा करता है, रहा करता है तो पैगंबर का मदीना नारा लगाए। कोई है मजमे में दीवाना, खड़ा हो जाए तो हुसैन का नारा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, या रसूलल्लाह, या रसूलल्लाह। मेरे दोस्तों, जब ये कलमा पाक सीने में आ जाता है तो सीने को पाक कर देता है, हृदय को साफ कर देता है, फिर सीना में कीना नहीं रहता है, पैगंबर का मदी मदी। वाह, सुभानअल्लाह, बस सुभानअल्लाह। लिया कीजिए, है ना। एक बात बताएं, आप इतने सुस्त बैठे हैं कि एक आदमी 15 केजी का बकरा, कौन बकरा, 15 केजी का बाजार में ले गया बेचने के लिए, अब 500 दाम रखा, कितना, 500 रुपया। अब बताइए कि 15 केजी का बकरा आपको मिल जाए 500 रुपया में, तो छोड़िएगा कि खरीदिएगा, मारा मारी रखा है। हम था। अब जो ही ऐलान किया, एक आदमी 500 हुआ, देखा लाभ, जल्दी बकरा ले लिया। कहा सुनो, बकरा ले जाने से पहले कंडीशन जान लो। का कंडीशन है? कहा इसको जबा नहीं कर सकते, इस बकरे से हम बड़ी प्यार करते हैं। कहा ठीक है, नहीं जबह करेंगे। कहा रोज सुबह तुम्हारे घर देखने आएंगे। कहा ठीक है, ओके। बकरा लेके चला गया घर, रात गुजरी, सुबह सुबह बकरा वाला पहुंच गया। कहा किधर है बकरा? कहा वो है, देख लीजिए। देखा, कहा ठीक है। तो उसकी बीवी बोली कि आप, वो आया है मेहमान की, तो उसको नाश्ता पानी कराइए ना। कहा लाओ, बना बना चाय, ला बिस्किट, लाया, दे दिया, खाया पिया, चला गया। मुतवात लगातार एक हफ्ता आता रहा। बीवी बोली, कौन दूध वाली चाय पिलाएगा जी इसको, कौन रोज बिस्किट खिलाएगा? अब आलू की भाजी रोटी खिलाइए, हमसे ना चाय बनेगी। अच्छा ठीक है, चल रोटी ये बना। अब एक आध हफ्ता रोटी 12-12 को रोटी नाश्ते में खा के जाता। बीबी उग गई, कहा ना अब हमसे रोटी नहीं बनेगी। तो कहा क्या करे जान छुड़ाने के लिए? कहा पड़ोस की यहाँ बकरा बांध देंगे, आएगा तो कहेंगे बकरा मर गया। अच्छा चलो ठीक है। सुबह सुबह बकरा वाला आए, इधर उधर नजर दौड़ाएगा, कहा है बकरा, खत्म। अब चिताने सीना के बल चरपाई पे गिर गया, चेहरा उदास। अब जो खरीद के लाया था घर वाला, सोचा शायद कि मोहब्बत में पागल हो गया, मोहब्बत में गिर गया है। कहा भाई साहब उदास मत होइए, ये तो होना ही था, आज नहीं तो कल सही, नाश्ता कर लीजिए। उठा, 24 रोटी अब 12 बूटी खा करके दम लिया, फिर चरपाई पे सो गया। दोपहर का वक्त आया, आधे केजी चावल और एक कटोरी दाल सब्जी खा के सो गया। जब रात का वक्त आने लगा, शाम का वक्त आया, घर वाला बोला भाई साहब तशरीफ ले जाइए, विराजमान यहाँ से ले जाइए। कहा कि ना, 40वां करिए के जाइए। कहा कि 40वां बकरे का अब करिए कि यहाँ से जाएंगे। तो घर वाला बोला तो वो अच्छा ही था कि बिस्किट पे निपट जाता था, ये 40 दिन इसको कौन झेलेगा। कहा भाई साहब बकरा दूसरे के दरवाजे पे है। तो आप ऐसे कंफ्यूजन में नहीं ना है कि मौलाना कब हटेंगे, कि हम लोग घर जाएंगे। जब उंगली कर दीजिएगा उसी वक्त सलाम सलाम, जोर से बोले ना, आवाज खींच रही है, थोड़ी सी मास्टर बढ़ाइए इसकी, उधर आवाज कुछ लोग दाब रहे हैं, सिर्फ इसकी और इसकी बताइए, बहुत दूर कर दिए हैं, बहुत अच्छा बजा रहे हैं, इसको इसकी इसको बंद करके रखिए। मेरे दोस्तों सुनेंगे, दोस्तों भैया सुनेंगे, क्या नाम बताया, अब्दुल रहमान। हाँ, तो आप इतना सुस्त होकर काहे बैठे हैं, ऐसा लग रहा है समदियाना जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो मुस्कुरा करके माँ बाप की मोहब्बत में बोलिए सुभान अल्लाह। अच्छा, हम लोग किस मुल्क में? हिंदुस्तान। जोर से हिंदुस्तान। जो कहना है कहिए, आज कहिए, हिंदुस्तान कहिए, भारत कहिए, इंडिया कहिए, एक और क्या कहते हैं, आर्या,